अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक बोल सकते हैं, आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 78। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। पल्लवी और अध्याय कार में बैठे हुए थे। दोनों में से किसी को भी पता भी नहीं थी कि ये लोग आखिर में जा कहाँ रहे हैं। हाँ, अध्याय को पता थी कि वो किससे मिलने जा रही है। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, नर्वस थी, तो उसकी जो नर्वसनेस थी ना उसके चेहरे पे साफ झलक रहे थे। पल्लवी डर रही थी अध्याय के लिए। वो एकदम से अध्याय की ओर देखकर बोलती कि सीरियसली अध्याय, तुम्हें पता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो? तो बोलो ना यार, मेरी हालत ख़राब हो रही है अध्याय। मुझे खुद की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ यार। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगी, पर मुझे डर तुम्हारे लिए लग रही है। प्लीज़, ये इतनी पेशेंस है नहीं मेरे में, तुम बोलो तो सही कहाँ जा रहे। अध्याय पल्लवी की ओर देखती है और बोलती कि वैसे डरिए मत, मैं बोली ना कि जिसे मिलने जा रहे हैं उनको मैं जानती हूँ। बोलती कि यार क्या लगा के रखी हो, आई नो तुम जानती होगी, तो ये बात तुम बोल क्यों नहीं रही हो, किससे मिलने जा रही हो? तभी बोलती कि पता चल ही जानी है। तो अब पल्लवी चुप हो जाती है, लेकिन पल्लवी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अध्याय को लेकर। और इधर करीब आधे घंटे तक ये लोग बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। ये गाड़ी आखिर तक कौन से राह पे रुकेगी दोनों में से किसी को पता नहीं थी। अध्याय बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ये चीज़ पल्लवी भी समझ रही थी, लेकिन पल्लवी को कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रही थी क्योंकि अध्याय बोल नहीं रही थी कि ये किससे मिलने जा रही है। दूसरी ओर प्रणाली मीटिंग में थी। वह अपनी मीटिंग में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी कि उसके फ़ोन पे समीक्षा की बार बार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल आती जा रही थी, लेकिन उसके फ़ोन साइलेंट होने के कारण वो उस चीज़ का ध्यान दे ही नहीं पाती। वो अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में कर रही थी या फिर प्रेजेंटेशन दिखा रही थी अपनी मीटिंग में। इधर कभी करीब समीक्षा के 15 से 20 कॉल जा चुके थे प्रणाली की फ़ोन पे, लेकिन प्रणाली कोई फ़ोन उठाते नहीं है। तो समीक्षा तुरंत अध्याय की नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन अध्याय के नंबर भी साइलेंट थे और उसका फ़ोन उसके पॉकेट में थे, तो वो भी नहीं बता सकती थी कि क्या हो रही है या क्या नहीं, क्योंकि फ़ोन तो अध्याय भी नहीं उठा रही थी। समीक्षा के पास कुछ और चारा थी ही नहीं। वो एकदम से कॉल करती है मानसी को। जैसे ही मानसी फ़ोन उठाती है तो समीक्षा बोलती कि अरे यार मानसी, प्रणाली है कहाँ? तभी मानसी बोलती कि अरे क्या हुआ भाभी, आप मुझे आज इतनी मतलब इतनी दिन बाद मेरी याद कैसे आ गई आपको? तभी बोलती कि अरे याद की याद गई तेल लेने, प्रणाली किधर है? मैं कब से उसे कॉल किए जा रही हूँ, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि क्या हो गई है भाभी, आप इतनी डर क्यों रही हो, मतलब डरी हुई क्यों हो, क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है ना? तभी बोलती कि सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे तुरंत अभी की अभी प्रणाली से बात करनी है। तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी की अभी प्रणाली से बात करनी है, कुछ करो। तभी मानसी बोलती कि भाभी मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी डरी हुई क्यों हो, वजह क्या है, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बोल सकती हो? और प्रणाली तो अपनी घर की ओर देखते होती कि अभी तो वो शायद ऑफिस में होंगे। तभी वो बोलती कि चलो ठीक है, प्रणाली अपने ऑफिस में ही सही, पर अध्याय किधर है, मैं उसके फ़ोन में भी कॉल कर रही हूँ पर वो फ़ोन उठा नहीं रही है। तभी मानसी बोलती है हाँ शायद वो भी होंगे ना ऑफिस में, दोनों शायद अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि हद हो गई, जब ज़रूरत पड़ती है तब किसी को फ़ोन पे पाए नहीं जाते, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तभी मानसी बोलती कि आप मुझे बोलो ना क्या हो गई। तभी वो बोलती कि देखो बोलने का वक्त है नहीं, खैर मैं रखती हूँ, ये बोल के तुरंत समीक्षा कॉल कट कर देती। तो मानसी बस पूछी जा रही थी अरे भाभी भाभी फ़ोन मत रखो, अरे बोलो तो सही, लेकिन तब तक समीक्षा की कॉल कट हो चुकी थी। मानसी कंफ्यूज हो जाती कि यार क्या हो गई है। तो मानसी एक दो बार प्रणाली की फ़ोन पर ट्राई करती है, लेकिन प्रणाली की फ़ोन तब भी साइलेंट थी। उधर करीब आधे घंटे चलने के बाद, ड्राइव करने के बाद, एकदम से वो दो कार है वो एकदम से एक फार्म हाउस के करीब जाके रुकता है। जैसे ही रुकता है, वो फार्म हाउस बहुत बड़ा सा था, तो ये दोनों एकदम से उतरते हैं साथ साथ। उनमें से जो सारे लोग थे
दोनों को लेके आ रहे थे, वो लोग भी एकदम से उतरे तो एकदम से पल्लवी बोलते, ये पता है मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है। तभी अध्याय बोलती कि क्या, तो बोलती कि वैसे वाले कि हम दोनों किडनैप हो चुके हैं। तभी आते हैं बोलते कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तभी पल्लवी बोलती तुम क्या इंसान हो, ऐसी सिचुएशन में तुम ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ तुम्हें, अरे यार मैं किससे बात कर रही हूँ। तभी अध्याय बोलती कि बोलो ना। तो बोलती कि तुम इतनी लाइटली कैसे ले सकती हो ये सिचुएशन को, एक तो तुम इतनी शांत हो, ऊपर से तुम नर्वस भी हो, यार मुझे क्यों कंफ्यूज कर रही हो, और मेरी हालत देखो यार, तरस खाओ मुझ पे। अगर कोई रिक्स है तो हमें स्टेप लेनी होगी यार, बचना ज़रूरी है, हम कोई यहाँ पे शौक से मरने तो नहीं आए हैं ना अध्याय, कहीं ये वाला प्लान तो नहीं है तुम्हारे। तभी अध्याय हंसती और बोलती कि क्या आप भी इतनी डर की थी कि वो आप। तभी बोलती कि देखो मैं एक बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बोलूँगी, मुझे खुद की कोई परवाह है नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है अध्याय, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे ऊपर कोई आज भी आए, तो ये बात तुम जितनी अच्छे से समझ जाओगी उतना ही बेटर है। ये बोलते हुए तो उनमें से एक आदमी बोलते कि चलिए अंदर। बड़ी तहजीब के साथ इन दोनों को अंदर लेके आते हैं। तो जैसे अंदर जाते हैं पूरी की पूरी एक हवेली वाली जैसी वाइब्स आती है। तो प्रणाली बोलती, पल्लवी बोलती कि बाप रे ये क्या तामझाम है। तभी बोलती कि यही तो तामझाम है। ये लोग थोड़ी अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही पल्लवी की शॉकिंगनेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो अंदर जाते ही देखते हैं हॉल में दो कुर्सी में एक बुज़ुर्ग इंसान जो लगभग 58 से या 60 के ऊपर के उम्र के होंगे, उनके मूछों की शान अलग ही थी, अलग तेज़ थे, फेस में एक अलग से रौ थे, वो चमक ही ये बता रहे थे कि किसी राज घराने से होंगे शायद। वो देखते हुए थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती कि ये कौन है। तभी अध्याय भी एकदम से पल्लवी की नज़र को पीछा करती है, लेकिन वो जिस इंसान को देखती है उसे पहचान नहीं पाती है। वो बोलती कि मुझे भी नहीं पता। फिर बोलती कि हैं तुम ही तो बोली थी आने से पहले कि मुझे पता है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, और अब बोल रही हो कि तुम नहीं जानती, क्या है अध्याय। तो बोलती कि नहीं मैं जिस इंसान से बात कर रही थी ये वो इंसान नहीं है। और तभी साइड में से एकदम से अध्याय की नज़र जाती है, तो साइड में एक और इंसान बैठे हुए थे अपनी दोनों हाथ को फोल्ड किए, और वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान प्रणाली की पिताजी थी, बलवंत ठाकुर। जैसी अध्याय प्रणाली की पापा को देखती है तो एकदम से उस साइड पे जाती है और अपना हाथ जोड़ लेती है और बोलती कि नमस्ते अंकल। ये बोलते हुए वो जाती तो है पैर छूने के लिए, लेकिन प्रणाली की पिताजी अपनी पैर को साइड कर लेती है, ऐसा मानो कि वो नाखुश है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अध्याय उनके करीब भी आए या फिर उनके पैर छुए। अध्याय इशारा तो समझ जाती है तो थोड़ी पीछे हो जाती है। तभी पल्लवी बोलती कि कौन अंकल, ये कौन है। तभी अध्याय बोलती कि ये आप प्रणाली जी की पापा है। पल्लवी तुरंत अध्याय की फेस की ओर देखती है और एकदम से सामने वाले इंसान की ओर देखती है। तभी बोलती कि ये पल्लवी की पिता है। तभी बोलती कि हाँ पिता है, मतलब हाँ बोल सकते हो। तभी बोलती कि क्या बोल सकते हो, ढंग से बोलो यार। तो बोलती कि हाँ उनके पापा है। तो बोलती कि ओके। तभी जो सामने बैठा था वो बुज़ुर्ग इंसान एकदम से खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते ही उसका सीधा नज़र अध्याय की ओर जाता है। वो अध्याय को घूरते हुए देख रहे थे और बोलते कि अच्छा तो तुम हो अध्याय शर्मा। हाँ अध्याय चुप थी और उनके और एक टक देख रही थी, वो पहचान नहीं पा रहे थे इस इंसान को। और तभी वहाँ से जो प्रणाली की पिताजी है वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलते कि पिताजी ये हाँ यही है अध्याय शर्मा, और ये मेरी पिता है प्रणाली की दादाजी। जैसे ये बोलती है तो अध्याय थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि जब वो गई थी प्रणाली से मिलने के लिए, प्रणाली की शादी की वक्त, तब तो ये इनसे नहीं मिली थी, अब ये अचानक कहाँ से आ गए। अध्याय थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बताई है कि ये दादाजी है तो रिस्पेक्ट हुए में उनके पास जाती है, वो झुक के उनको प्रणाम करती है। वो प्रणाम तो करती है लेकिन बदले में जो प्रणाली की दादाजी है वो कोई मतलब रिस्पॉन्स करते नहीं है, वो बस चुप रहते हैं।
अध्याय थोड़ी सी पीछे हो जाती है तो पल्लवी बहुत मतलब एकदम होते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि भाई यहाँ हो क्या रही है। ये बोल रही है कि ये प्रणाली की पिताजी है, प्रणाली की दादाजी है, तो प्रणाली को लानी चाहिए थी, अध्याय को क्यों लाई गई है, वो ये समझ नहीं रही थी। उधर एकदम से जो प्रणाली के दादाजी है वो एकदम से अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हुए वो एकदम से किसी को इशारा करती है कि दो चेयर ला दे। तो वहाँ से एक इंसान भागते हुए जाते हैं, दो चेयर लाते हैं और एक चेयर उनके बिल्कुल रूबरू रखती है और अध्याय की ओर देख कर बोलती है कि बैठो। अध्याय चुपचाप बैठ जाती है, उसके सर झुकाई हुई थी, वो आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर रही थी। तभी प्रणाली की दादाजी बोलती कि बेटा आँखों में आँखें डाल के बात करो, क्योंकि हमारे परिवार में आज तक ऐसा कोई इंसान हुआ नहीं है जो हमसे आंखें मिला के ना बात किए हो, और हम नज़रें तभी झुकाते हैं जब हम कोई गलती करते हैं। ये सीख, या फिर तुम परंपरा बोल सकते हो, ये हमारी परिवार में सीमित है। तो तुमने अगर ऐसा कोई गलती नहीं किया हो तो अपनी नज़रें मुझसे मिला के बात करो। लेकिन अध्याय अपनी सर उठाते नहीं हैं। तभी वहाँ पे जो पल्लवी है उसको थोड़ी सी अध्याय के पीछे ही बैठाई जाती है। पल्लवी बस अब शांत हो गई थी, बस इस सिचुएशन को भांपने की कोशिश कर रही थी कि यार एक्चुअली क्या हो रही है। इधर प्रणाली की जो दादाजी है वो बोलते कि तो आखिरकार इतने सालों में जो हुआ नहीं है तुमने वो चीज़ करके दिखा दी, बहुत हिम्मत है तुम में। हमारी ही परिवार से हमारी ही बेटी को हमसे ही छीन लिए, दाग तो देनी पड़ेगी तुम्हारी इस हरकत को। अध्यय एकदम से अपनी आंखों को उठा के एक बार दादाजी की ओर देखती है और एक बार जो प्रणाली की पिताजी की ओर देखती है। प्रणाली की पिताजी अब भी अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए हुए बैठे हुए थे, वो अध्यय की ओर तो नहीं देख रहे थे, लेकिन अध्यय की जो प्रणाली के दादाजी है उनके नज़र सीधा अध्यय की ओर ही थी। वो अध्यय की आँखों में आँखें डाल के देख रहे थे और उनकी आँखों में एक अलग सी, ये गुस्सा भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं ना कि गर्म खून के एक अलग सी रौ होते हैं वो भी बोल सकते हैं, और राजाओं की जो तेज़ होते हैं ना वो साफ झलक रहे थे उनकी बातों में, उनकी मूछों की शान में, उनकी फेस में वो चमक नज़र आ रहे थे। और तभी प्रणाली की दादाजी बोलते कि तुम्हें पता है इतने साल में ये चीज़ कभी नहीं हुआ, तो तुम वो पहली इंसान हो जो हमारी पूरी की पूरी परंपरा को हिला के रख दिया। आखिर तुम्हारी इतनी मजाल आई कहाँ से और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे घर की बेटी को हमसे छीन लिया, क्या जानते हो तुम? हाँ, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम अपनी पापा से बहुत प्यार करती हो और अब शायद तुम्हारी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक से चल नहीं पाते, तो पूरी की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी तुम उठाई हो, तो क्या लगता है तुम हमारी हमारी घर की राजकुमारी को तुम संभाल पाओगी, जो अपनी पूरी घरवार पूरी राजघराना छोड़ के तुम्हारे पास चली आई। ये बात जैसी पल्लवी सुनती वो सुंद हो जाती है, बोलती कि इनका बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि पल्लवी को बस इतना ही पता थी कि दे आर फ्रेंड्स, उस हिसाब से ही जानती थी। लेकिन अब जो प्रणाली की दादाजी की टोन है वो अलग ही दर्शा रहे थे चीज़ों को। पल्लवी शांत होकर बस ये सारी चीज़ को सुन रही थी और समझ रही थी, और अध्यावस चुप थी। प्रणाली की दादाजी फिर से बोलते हैं, हाँ बोलो, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई और चलो वो सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पिताजी से मुंह मोड़ के अपनी सारे बंधन को तोड़ के पूरी राज घराने को वो ठुकरा के तुम्हारे पास आए। और तुमने क्या किया? जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात है नहीं, तुम तो हमारी घर की बेटी का ठीक से ख्याल तक नहीं रख पाई, देर महीने हुए हैं उसको सब रिश्तों को तोड़ के आई हुई, अपनी घरवार को छोड़ के आई हुई। क्या कर लिया तुमने? हाँ, और क्या सोचा तुमने कि हम जो उसके परिवार है अभी ज़िंदा है,
तुम्हारे हवाले छोड़ देंगे उसको। बिल्कुल नहीं। और तुम्हें पता है, ये जो मेरा बेटा बैठा हुआ है, जो बाहर से इतना सख्त और अपनी कठोर अंदाज दिखाता है, जब बात उसकी बेटी की आता है ना, मोम बन जाता है। इसका दिल मोम सा हो जाता है। इसके लाइफ में मैंने इसको 2 बार रोते हुए देखा, और दोनों बार ही वो अपने बेटे के लिए रोया है, मैंने खुद देखा है। और 2 दिन पहले ही जो लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, जब तुम्हारी हाथ से वो छूट के उसको माथे पे चोट लगा ना, तब इसके आँखों में आंसू आ गया था। और मैं जब मेरे बेटे के आँखों में आंसू देखा तो मेरा खून खौल गया। अगर उस वक्त तुम मेरे सामने होती तो आज तुम मेरे सामने यहाँ पे ज़िंदा खड़ा नहीं हो पाते, ये बात तो तय है। और ये सब कुछ किस लिए? और तुम्हें पता है, हमारी घर की बेटी जब सब कुछ छोड़ छाट के, घर छोड़ के तुम्हारे पास आई, क्योंकि इसका दावा था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, जिसका कोई मायने है नहीं। पल्लवी एकदम से शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन के। और प्रणाली की दादाजी वो फिर से वही बात बोलते हैं कि वो अकेली नहीं आई थी उस घर से, सारे रिश्तों को तोड़ के आई थी। और सिर्फ रिश्तों को तोड़ के नहीं आई थी, उस घर के खुशियाँ भी बिखर के आई थी वो। और इसका पूरा का पूरा कारण तुम हो अध्याय शर्मा। पूरी की पूरी एक फैमिली को, एक परिवार को बिखर के रख दिया तुमने। तुम्हारे कारण वो परिवार पूरी की पूरी बिखर चुका है। और सबसे बड़ा बात, मेरा बेटा, उसका हालत तुम्हें पता है, जब प्रणाली छोटी थी, बचपन से वो इतनी नाजुक थी, बड़े नाजुक से हमने उसको पाला है। उसके इर्द गिर्द हम 100 लोग रखते थे ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ होने से पहले हम सारे चीज़ों को संभाल लेते थे, हमारी जान बचती थी उसमें, बचती है अब भी। वो इतनी नाजुक थी कि मेरे बेटे कभी उसको ज़मीन पे उसके पैर को रखा नहीं है। वो हमेशा ये बोलता था कि मेरी बेटी की पैर इतनी नाजुक है कि अगर मैं उसको ज़मीन पे रखूं तो ज़मीन की वो जो मिट्टी है, उसकी शक्तिपन मेरे बेटी की पैर में चुभेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कभी उसको ज़मीन पर नहीं रखे थे। तो सोचो, तुम्हारे कारण अब ये सारी सिचुएशन आ गई है, तो तुम्हें क्या किया जाए, तुम्हारे साथ क्या किया जाए, बोलो। अध्याय चुप थी। पल्लवी तो शौक थी कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मोहब्बत क्या मतलब है। अब पल्लवी को धीरे धीरे सारी चीज़ समझ आ रही थी। इधर अध्याय बिल्कुल शांत हो गई थी। वो एक बार अपनी नज़र घुमा के प्रणाली के पिताजी की ओर देख रहे थे। अब उनके आँखों में एक नमीपन थी। वो जो सख्त इंसान थे, वो थोड़ी देर के लिए शायद कहीं पे छुप गए थे। उनके आँखों में एक अलग सी नमीपन दिखती है, क्योंकि अध्याय भी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उनके आँखों में वो पिता की दर्द वो देखती है। जैसे देखती है, उसके दिल में एक अजीब सी पेन होती है। वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। और तभी एकदम से जो प्रणाली के दादाजी है, वो जाके कुर्सी में बैठते हैं और बोलती कि चलो बताओ, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये बताओ कि हम अपनी परिवार की, अपनी शान की जो राजकुमारी है, जो हमारी परिवार की जान है, उसे तुम्हें देंगे, है क्या तुम पे, बोलो क्या हैसियत है। अरे तुम तो 1.5 महीने तक उसको संभाल नहीं पाई, उसकी देखभाल नहीं कर पाई, तो पूरी ज़िंदगी भर क्या कर लोगी तुम, हाँ क्या कर लोगी तुम। इसका जवाब अध्याय के पास नहीं थी। कहीं ना कहीं वो खुद को कोस रही थी प्रणाली की इस चोट के कारण। जो प्रणाली बार बार उसको समझा रही थी कि बस हो गई है, कोई बात नहीं, अब वही चीज़ एकदम से उसके सामने आ जाती, तो वो गिल्टी तो थी कि कहीं ना कहीं वो डिज़र्व तो नहीं करती थी प्रणाली को। कहा राज घराना और कहा वो आम इंसान, दोनों में आसमान और ज़मीन की फ़र्क थी। जिसे कई बार प्रणाली समझा चुकी थी कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज
वही सिचुएशन फिर से अध्याय के सामने आ खड़ी हो जाती है। अध्याय एक तक प्रणाली की पिताजी की ओर देख ही रहे थे कि प्रणाली की दादाजी फिर से बोलते कि बोलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं प्रणाली का दादाजी, तुम्हारी किस्मत अच्छा था कि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। अगर मैं होता तो अपनी घर की शान को तुम्हारे लिए उस तरह से छोड़ जाने की कभी नौबत ही नहीं आने देता। लेकिन हाँ, वो चली गई है। वो सिचुएशन अलग था, लेकिन अब सिचुएशन अलग था। मैं तो कब का अपनी पोती को लेने आ जाता, पर मेरा बेटे ने मुझे रोक लिया। लेकिन दो दिन पहले जब मेरे बेटे की आंखों में आंसू देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे रहा नहीं गया, मैं आ गया यहाँ पे। और अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम हमारी बेटी के लायक हो नहीं। तुम्हारी उतनी ना तो हैसियत है और ना ही तुम उतनी काबिल हो हमारी बेटी को संभालने के लिए। हमारे घर की शान को संभालने के लिए तुम तैयार नहीं हो। और तुम भी तो बेटी हो ना, तुम्हारी भी पिताजी है। अगर खुद को तुम प्रणाली की जगह पे रखोगी तो तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करोगी? सोचो और सोच के समझ के जवाब दो मुझे। क्या प्रणाली ने जो किया है वो सही किया है? तुम्हें चुनकर अपनी पूरी परिवार को, अपनी घरवार को छोड़ के, सबसे बड़ी बात अपनी पिताजी से रिश्ता तोड़ के आना, क्या वो सही थी? अध्याय अपनी सर झुका ली थी, क्योंकि उसको पहले से पता थी कि प्रणाली ने जो किया है वो गलत है। उसको पता थी यह बात। और जैसे ही अब उसको सामने से पूछी जाती है यह बात, वो अपनी सर को झुका लेती है। पल्लवी अब पूरी सिचुएशन समझ गई थी और उसके पास भी कोई शब्द नहीं थी बोलने के लिए। वो बस वहाँ पे स्टैचू बन के पूरी सिचुएशन देख रही थी और अध्याय की ओर देख रही थी। थोड़ी देर चुप होने के बाद प्रणाली की दादाजी फिर से उत्तर बोलती कि तुम्हारी चुप्पी ही बहुत कुछ बता दिया है। समझदार तो हो थोड़ी बहुत। मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा 2 दिन तक। मुझे आशा है कि तुम खुद चलते हुए हमारी घर की बेटी हमें वापस करोगी और कभी उसकी ओर मुड़ के नहीं देखोगी। अगले 2 दिन तक हम यही है, 3रे दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारी घर की बेटी की हर वो जिम्मेदारी उठा सकोगी, जो कि मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी इतनी हैसियत है नहीं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसका अच्छे से, हमसे भी बेहतर देखभाल कर सकोगी, तब मैं सोच सकता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, मेरा नज़र तुम पे हमेशा रहेगा। तुम्हारी हर वो कदम पे मेरा नज़र रहेगा, तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। और इस बीच प्रणाली की ऊपर अगर कोई भी आ चाहे अध्याय शर्मा, तो तुम्हारी नामो निशान तक मिटा दूँगा मैं। नामो निशान तक नहीं बचेगा तुम्हारी। जैसे ये सुनती है पल्लवी एकदम से आते हैं, बोलती कि दादाजी, पर तभी वो एकदम से प्रणाली की दादाजी एकदम से हाथ दिखाता है पल्लवी की ओर और बोलती कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। ये तो जवाब ये खुद देगी। अब तुम जा सकती हो, 2 दिन है तुम्हारे पास। सोचो, अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो, डिसाइड करो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम हमारी बेटी को संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो 2 दिन है हम यहाँ पे, चलते हुए हमारी बेटी हमारे पास लौटा देना, हम इंतज़ार करेंगे। ये बोलते हुए वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है और बोलते कि अब तुम जा सकते हो। अध्याय एक बार प्रणाली के पिताजी की ओर देखती है तो वही नमीपन उसे देखते हुए उसे अच्छी नहीं लग रही थी। एक पिता की आंखों में आंसू आना ये अच्छी बात तो नहीं थी। वो चुपचाप वहाँ से पीछे पलटती है और पीछे पलटती हो जैसे जाने लगती है, तभी वहाँ से एकदम से प्रणाली की पिताजी उन लोगों के ओर देखते हुए बोलते कि जहाँ से इनको लेके आए हो वहाँ ही छोड़ दो। तो वैसे ही होते हैं, इनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो इंसान लोग जो है वो फिर से अध्याय और
पल्लवी को वहाँ से लेते हुए फिर से कार में लाते, और इस बीच अध्या बिल्कुल शांत थी और पल्लवी वो भी उसे थोड़ी बहुत तो शौक लगती है, और सबसे बड़ी शौक तो ये लगती कि प्रणाली राज घराने से बिलोंग करती है, शी इज़ प्रिंसेस, राजकुमारी। ये बात उसे बहुत शौक लगता है, और सबसे बड़ी शौकिंग चीज़ तो ये थी कि प्रणाली अध्या से प्यार करती है, मतलब ये जो अब तक वो समझ रही थी कि दोनों दोस्त है, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स। ये बात वो जैसे समझ गया, अब वो अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी। उधर प्रणाली की जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, वो तुरंत साइड में जाती है अपनी चैम्बर पे, और जाके वो अपनी फ़ोन बस निकालती है तो देखते हैं इतने सारे कॉल, सबसे ज़्यादा कॉल तो समीक्षा की थी, तो तुरंत कॉल बैक करेगी कि वो रुक जाती है। वो एकदम से अध्या को कॉल करती है, अध्या को जैसे, क्योंकि अध्या के एक कॉल उसके पास आ चुके थे, क्योंकि अध्या उससे पूछना चाहती थी कि वो लंच में क्या करेगी, क्या खाना चाहेगी, तो सीधा अध्या को कॉल करती है। अध्या की फ़ोन तब भी साइलेंट थी, और अध्या गहरी सोच में तब तक जा चुकी थी। उसके माथे में, उसके सर में वो सारी की सारी बातें जो अध्या प्रणाली की दादाजी की थे, हर वो एक शब्द घूम रहे थे। अध्या बिल्कुल शांत थी और फ़ोन अब भी साइलेंट थे। प्रणाली एक एक करके करीब 3 कॉल करती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि फ़ोन नहीं उठा रही है तो बंद कर देती है, और वो समीक्षा को कॉल करती है। जैसे ही समीक्षा को कॉल करती है, समीक्षा एक रिंग पे ही फ़ोन उठा लेती है और बोलती कि कहाँ मर गई थी, हाँ कितनी परेशान करती हो तुम, मैं कब से तुम्हें कॉल करी जा रही हूँ, तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अध्या को कॉल कर रही हूँ, दोनों में से कोई फ़ोन उठा ही नहीं रही हो यार, क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ कारण के वजह से ही मैं कॉल कर रही हूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि भाभी आराम से, क्या हुआ, आप डरी हुई क्यों हो, क्या हो गई है, इतनी पैनिक में क्यों हो। तभी बोलती कि पैनिक क्यों ना हूँ, तुम्हें पता है दादाजी आ चुके हैं। तभी बोलती कि दादाजी आ चुके हैं इतने जल्दी, तो बोलती कि आ चुके हैं, पता नहीं कैसे हो गए, वो तो गए थे आश्रम में 2 महीने के लिए, पता नहीं जल्दी से आ गए, और आए तो आए। आगे जो मैं बोलने वाली हूँ प्रणाली, तुम ध्यान से सुनो, पिताजी और दादाजी दोनों मिलके गए हैं वहाँ पे। तो बोलती कि वहाँ पे कहाँ, मैं समझी नहीं। तभी बोलती कि वहाँ पे हैदराबाद, वहाँ पे है, तुम्हारे वहाँ पे गए हैं। प्रणाली बोलती कि व्हाट, पापा और दादा यहाँ पे है पर मुझे नहीं पता कहाँ है। तभी समीक्षा बोलती कि मुझे नहीं पता कहाँ है, पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो लोग ज़रूर तुम्हारे लिए ही गए हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे, ध्यान रखना। तभी प्रणाली बोलती कि पर अचानक यहाँ पे क्यों। तभी बोलती कि ये मुझे पता नहीं है कि क्यों, पर गए हैं, ध्यान रखना। ये बोलते ही समीक्षा कॉल कट कर देती है। प्रणाली परेशान हो जाती कि अचानक क्या हो गई है कि पिताजी और दादाजी को यहाँ पे आना पड़ा, वो सोच में पड़ जाती है। उधर आधे घंटे बाद ये लोग को उसी रेस्टोरेंट के वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट पे जैसे अध्या जाती है, वो एकदम से वहाँ के एक टेबल पे बैठ जाती है, ऐसा मानो कि उसकी शरीर की पूरी खून ख़त्म हो चुकी थी, एकदम से ठंडी पड़ चुकी थी पूरी बॉडी। वो एकदम से टेबल पे जिस तरह से बैठती है, पल्लवी एकदम से बोलती है आई ओके, क्या हो गई है। अध्या कोई भी जवाब नहीं देती, तो पल्लवी बोलती कि यार ये सब क्या है, मतलब सब कुछ मेरे दिमाग के, मतलब सर के ऊपर से गए हैं यार, मतलब क्या है इन सारी चीज़ का। तभी अध्या बोलती कि कौन सी मतलब, सब कुछ आपके सामने ही तो थी। तो बोलती कि यार मतलब देखो इतना तो समझ गई कि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर ये सब क्या है कि प्रणाली पूरी घर छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई, पूरी घर की खुशियाँ, मतलब यार ये सारी चीज़ मेरे दिमाग से चली गई। तब अध्या जो है पल्लवी को कुछ चीज़ें बताती, तो पल्लवी शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि क्या बोल रही हो, उसने इतनी बड़ी स्टेप ले ली बिना कुछ सोचे, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम नहीं हो गई अध्या। तभी अध्या बोलती कि मुझे भी पता है, और पता है जब मैंने आज
उनके पिताजी की आंखों में वो दर्द देखी ना, एक पिता की, एक बाप अपनी बेटी के लिए जो वो दर्द महसूस कर रहे थे, वो मेरे दिल को झल्ली करके रखती है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने उस परिवार की खुशियाँ एक पल में बिखार दिया और सब कुछ मेरे कारण हुआ है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। और उन्होंने गलत क्या बोला है? दादाजी ने बिल्कुल सही तो बोला है। आखिर मेरी हैसियत क्या है? ना मैं उतनी स्टेबलिश हूँ कि उनके घर की बेटी को एक अच्छी से लाइफ दे सकती हूँ, ना मैं उतनी खूबसूरत हूँ, ना मुझ में कोई बात है। मैं बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ और ये बात मैं कई बार उनको समझा चुकी हूँ, पर वो समझे तब ना। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि यार, प्यार में हैसियत कहाँ से आ जाती है यार, मुझे ये बात समझाओ। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ना तो उसका जात देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना रूप देखते हैं, और ना ही हैसियत देखते हैं यार, बस दिल देखते हैं। दिल से दिल जोड़ जाते हैं यार, इसमें हैसियत कहाँ से आ गई? तभी बोलती कि आती है, ज़रूर आती है। मैं ठहरी एक मिडिल क्लास जो डाउन साइड से है, और मेरे, मुझे तो देख ही रही हो आप, तो आई एम नॉट गुड फॉर हर। और वो ठहरी राजकुमारी, राज घराने से बिलोंग करती है, मेरे उतनी औकात कहा कि मैं उनकी करीब जाके खड़ी भी हो सकूं। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि यार, अब तुम नेगेटिव सोच रही हो यार। देखो मैं दादाजी की कुछ कुछ बातों से सहमत हूँ, जैसे कि प्रणाली को उस तरह से घर तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए थी, ये बस यही चीज़ से मैं सहमत हूँ। बाकी उन्होंने जो तुम्हारे लिए बोल बोले है उससे मैं सहमत नहीं हूँ यार, लेकिन तुम उनके सिचुएशन भी सोचो, वो लोग फ्रस्ट्रेशन में है। लाजमी है उनके घर की लड़की जो प्रिंसेस ठहरी, वो उसकी अगर सिचुएशन ऐसी हो, और जैसे कि उन्होंने बोला है प्रणाली के पिता के बारे में, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे रिएक्शन आना। अध्या, तभी अध्या बोलती कि हम ऑफिस चलते हैं। अध्या बिल्कुल चुप थी और पल्लवी के साथ वो वहाँ से खाना वगैरह पैक करके ये लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे जाते हैं, प्रणाली अध्या की ऑफिस में ही थी, इंतज़ार कर रही थी, तो जैसे आते प्रणाली भागते हुए अध्या के पास जाती है, उसे टाइटली हक करती है। अध्या की दिल रो पड़ती है इस हक से, लेकिन वो प्रणाली को बैक नहीं, हक बैक नहीं करती। प्रणाली बोलती कि क्या होगी, तुम ठीक हो? अध्या बोलती कि हाँ, वो मैं खाना लाए थे, हम साथ मिलके खाएंगे सोचे थे। तो बोलती कि हाँ तो चलो कैंटीन। तभी एकदम से अध्या बोलती कि नहीं, कैंटीन जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खा लेते हैं। तो ये तीनों वहाँ पे बैठते और पल्लवी को स्ट्रिक्टली मना कर दी थी अध्या कि जो हुआ है, जैसे कि अध्या को प्रणाली के दादाजी ने बुलाई है, प्रणाली के पिताजी ने बुलाई, जो भी इन तीनों के बीच बात वगैरह हुई वो प्रणाली तक ना पहुँचे। पल्लवी भी मान गई थी, तो पल्लवी चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोलती। प्रणाली एकदम से बोलती है, आप दोनों को क्या हो गई है इतनी शांत? और प्रणाली को ये खबर तक नहीं थी कि अध्या उसके पिताजी से, उसके दादाजी से मिल के आई है, और दो दिन की वक्त भी लेके आई है। दो दिन में वो ये सोचेगी कि उसे क्या करनी है। अगर उसे लगी कि वो प्रणाली की जिम्मेदारी उठा पाएगी तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे खुद उनके पास प्रणाली को लेके जानी पड़ेगी। इस बात की कोई भड़क तक नहीं थी प्रणाली को। वो अध्याय की ओर देखकर बोलती कि क्या हो गई है, खाओ। तभी अध्याय बड़ी प्यार से प्रणाली की ओर देखती है और बोलती कि क्या आप मुझे खिला देंगी? प्रणाली अध्याय की ओर देखती है और एक बार पल्लवी की ओर देखती है, तो पल्लवी बोलती कि देखो, मुझे थोड़ी थोड़ी तुम दोनों पे शक तो थे, पर अब कन्फर्म हो गए। तुम चिंता मत करो यार, फिकर मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ गई कि तुम दोनों जस्ट फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं हो। तभी प्रणाली एकदम से अपनी नज़रों को झुका लेती, तो पल्लवी बोलती कि यार इट्स ओके, यार इट्स टोटली फाइन। 2022 में अगर तुम सारी चीज़ ये बोलो तो यार ये थोड़ी सी और नहीं हो जाती? डोंट वरी यार, मैं उतनी भी नैरो माइंडेड तो हूँ नहीं, इस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ यार, अपडेट ज़माना है।
चलता है यार, इट्स टोटली नॉर्मल। तो प्रणाली एकदम से स्माइल पास करती है और वो बड़े प्यार से अध्या को खिला रही थी। अध्या की आंखें नम हो जाती है। प्रणाली पूछती है कि क्या हुआ। अध्या कोई भी जवाब दे नहीं पाती। वहाँ से ये लोग लंच वगैरह करके प्रणाली फिर से अपने ऑफिस जाती है, कुछ काम वगैरह करती है। और प्रणाली के दिमाग में भी थी कि उसके दादाजी और पिताजी आ गए थे तो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, यही वो सोच रही थी। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, ठीक, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।